टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपीपीएससी की, यूपी ट्रिपल एससी की, सीआरपीएफ की नई नोटिस की और संघ लोक सेवा आयोग की भर्ती यूपीएससी की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना विद्यार्थियों के लिए है। जो विद्यार्थी यूपी पीसीएस अथवा बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वे सभी अभ्यर्थी फिजिक्स वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर सक्षम 3.0 के नाम से एक फाउंडेशन कोर्स लॉन्च हुआ है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ऑनली आईएएस की टीम है, फिजिक्स वाला की टीम है जो आपको पढ़ाएगी। फीस बहुत कम रखी गई है, मात्र 4,499 रुपये। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी और रिकॉर्डेड वीडियोज भी मिलेंगे, जब समय रहेगा तब आप लोग देख सकते हैं। डेली क्लास नोट्स मिलेंगे, 24/7 डाउट क्लियरिंग सेशन चलते रहेंगे। मंथन मासिक करंट अफेयर्स की पत्रिका मिलेगी, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण होगा। 3 दिन की क्लासेस पूरी तरीके से निःशुल्क हैं और ये जो क्लासेस हैं और सारा जो स्टडी मटेरियल है ये आपको फिजिक्स वाला के ऐप पर मिले। इस ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, यहाँ पर आप लोग बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर वैलिडिटी लिखी हुई है 31 दिसंबर 2024। बहुत सारे टीचर्स के नाम देख सकते हैं, उनकी फोटोज देख सकते हैं, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, सिलेबस देख सकते हैं। तो आज ही आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लोग यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध है। चलिए शुरू करते हैं। सुबह की वीडियो में मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में विद्यार्थी धरना प्रदर्शन कर, ये देख सकते हैं विद्यार्थियों की तस्वीरें हैं। लगभग 50-60 विद्यार्थी आए थे, लेकिन और अधिक विद्यार्थियों को आना चाहिए। इन विद्यार्थियों के लिए मैं आज खुद धरना प्रदर्शन में मौजूद रहा काफी देर। के बाद जब दोबारा आंसर की आई है और उसके बाद जो प्री का रिजल्ट आया है उसमें जो कि बहुत लड़के प्रभावित, कोई 90 था उसका नहीं हुआ है, कोई 88 था उसका हुआ है। तो इसका मतलब कि जो आयोग आंसर की दिया है वो सही तरीके से नहीं दिया है, छानबे वालों का नहीं हुआ है, 87 वालों का हुआ है। और उसमें से ये भी है कि पता चला है कि 96 जिसका था उसका नहीं हुआ है और 87 वाले का हुआ है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आयोग जो, तो विद्यार्थियों का यही कहना था कि लोक सेवा आयोग मनमानी कर रहा है और ना तो रिवाइज्ड आंसर की जल्दी देता है। 2021 आरओ का परिणाम बहुत दिन पहले जारी हुआ था और अभी तक उसकी भी आंसर की रिवाइज्ड और कट ऑफ वगैरह मार्कशीट वगैरह जानकारी नहीं दी गई है। इसी तरीके से पीसीएस 2022 भी फाइनल हो चुका है, अभी तक उसका भी कट ऑफ वगैरह उसके बारे में कट ऑफ और जो उसकी मार्कशीट वगैरह वो जारी नहीं की गई है। पीसीएस एक तो ये मामला है रिवाइज्ड आंसर की का। दूसरी मांग विद्यार्थियों की थी कि ये जो विवादित क्वेश्चन है जिसकी वजह से ये बताया जा रहा है कि 96, 97, 98 वालों विद्यार्थियों का सिलेक्शन प्री में नहीं हुआ है पीसीएस 2023 प्री में और 92, 93 वालों का हो गया है। ऐसा आखिरकार क्यों हुआ है, कितनी कट ऑफ गई है, विद्यार्थियों को जानने का हक है, जानने का अधिकार है। पत्र बना रहे हैं वो क्या अनपढ़ है, क्या उनको कोई जानकारी नहीं है? हमसे अगर कोई प्रश्न बनाने का कहे तो हम ये प्रयास करेंगे कि गलती ना हो। 10 से 12 प्रश्न ये बनाते हैं, रिवाइज आंसर की नहीं देते हैं, हम लोग को कुछ नहीं पता चलता है कि होने वाला क्या है, ठीक है। और फिर आयोग की उत्तर कुंजी आती है, उसी से एक बार मिलाते हैं, दोबारा रिवाइज हमको पता नहीं चल रहा है। 22 का भी रिवाइज आंसर की नहीं दिया और इस तरह से सब कहना सही चल रही है, कोई बात नहीं सुना जा रहा है हम लोगों का, ठीक। और हम लोग अपनी पूरी जिंदगी खत्म किए दे रहे हैं सब तैयारी में। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, आज काफी संख्या में छात्र आए हुए और इनका कहना कि ना तो लोक सेवा आयोग तो ये आप लोगों ने सुना विद्यार्थियों की पीड़ा दर्द। बहुत सारे विद्यार्थियों की मांगे थी कि जैसे लोअर की परीक्षा वो यहीं से होनी चाहिए, लेकिन मुख्य बात यही थी कि पीसीएस में जो विवादित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये इसको बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी आने वाले समय में बहुत सी भर्तियां आने वाली हैं। एक तो आरओ तुरंत आप लोगों की आ रही है, फिर एलटी ग्रेड और खंड शिक्षा अधिकारी एपीएस की वैकेंसी भी लगी हुई है, उसका भी विज्ञापन जल्द आएगा। इसीलिए ये विद्यार्थी मांग कर रहे थे, लेकिन लोक सेवा आयोग हमेशा गैर जिम्मेदाराना तरीके से आज भी वही काम किया कि कोई भी बड़ा अधिकारी इन छात्रों से मिलने नहीं आया। इन विद्यार्थियों ने ज्ञापन दिया, शायद कोई एक समीक्षा अधिकारी कोई आया था और उसको इन विद्यार्थियों ने ज्ञापन दिया और उसी से संतुष्ट होना पड़ा। इन विद्यार्थियों को बुलाया गया और कुछ जो है, क्या कहूँ मैं इन विद्यार्थियों को, मैं तो धरना प्रदर्शन में गया था, काफ़ी देर तक रहा, लेकिन जिस तरीके से विद्यार्थियों को आना चाहिए उस तरीके से नहीं आए। और यहाँ पर भी जो विद्यार्थी थे, पुलिस वाले दो चार कांस्टेबल थे, एक इंस्पेक्टर था, और जैसे ही उन्होंने कैमरा घुमाया कि इनकी फ़ोटो खींची जाए वैसे विद्यार्थी यहाँ वहाँ होने लगे। तो जो कम विद्यार्थी रहते हैं इसलिए और डर जाते हैं। कोई बात नहीं है, आज पहला दिन था, लेकिन विद्यार्थियों ने अच्छी तरीके से अपनी मांगे रखी। जो विद्यार्थी आए बहुत अच्छी बात है कि वो विद्यार्थी अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर पहुँचे। फिलहाल जब वार्ता हुई समीक्षा अधिकारी से तो उन्होंने कहा कि हम आपकी जो बातें हैं वो मीटिंग में रखेंगे, मीटिंग में पहुँचेंगे, इस पर विचार किया जाएगा। जो गलत प्रश्न बनाए जा रहे हैं, आंसर की जारी नहीं की जा रही है।
कट ऑफ की घोषणा नहीं होती है। तो ये पहला दिन था, ये शुरुआत थी और शुरुआत खराब नहीं है, भले ही आलोचना हो रही हो कि कम विद्यार्थी पहुंचे थे या चेयरमैन से मिलना चाहिए, जो भी बातें हैं, तो शुरुआत इसी तरीके से है। विद्यार्थी चुप नहीं बैठेंगे अगर लोक सेवा आयोग सोचे कि नहीं नहीं हम बाहर नहीं जाएंगे, बात नहीं करेंगे, गेट बंद कर लेंगे तो आंदोलन शांत होगा। इस तरीके से आंदोलन शांत नहीं होता है, आंदोलन इससे और बढ़ता है, शक इससे और बढ़ता है। अगली जो सूचना है वो है यूपी ट्रिपल एससी की। आज भी यूपी ट्रिपल एससी से एक नोटिस जारी हुई, पुरानी भर्ती है, बहुत पुरानी भर्ती, और इसका मतलब है कि यूपी ट्रिपल एससी पुरानी भर्तियों पर ही काम कर रहा है इस समय। ये देख सकते हैं, ये एक पुरानी भर्ती है, आयोग की विज्ञापन संख्या 18/5/2016 के अंतर्गत निदेशक प्रावधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश कानपुर के नियंत्रणाधीन कर्मशाला अनुदेशक। तो जो कर्मशाला अनुदेशक के विभिन्न प्रकार के पद थे उनमें कुछ विद्यार्थियों को औपबंधिक रूप से चयनित किया गया था, 30 विद्यार्थी, इन 30 विद्यार्थियों की ये सूची है और इन विद्यार्थियों को ये बुलाया गया। ये देखिए लिखा है, प्रश्नगत विज्ञापन में औपबंधिक चिन्हित 30 अभ्यर्थियों को ऐतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वे अपने शैक्षिक आरक्षण अनुभव अनापत्ति आदि संबंधी अभिलेखों के मूल छाया प्रति सहित दिनांक 12 जुलाई को आयोग के कार्यालय में 10 बजे पहुंचना सुनिश्चित करें। तो इन विद्यार्थियों को यहां पर बुलाया गया है। अगली सूचना एक एसएससी की नोटिस की भी है, अभी अभी एसएससी की एक नोटिस भी जारी हुई है। 10+2 यहां पर सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल टीयर सेकेंड एग्जाम की रिस्पॉन्स की संभावित आंसर की है जो जारी हो गई है। लिखा तो टीयर टू की जो परीक्षा 26 जून को हुई थी, इस परीक्षा की रिस्पॉन्स सीट भी दे दी गई है और जो संभावित आंसर की है पहली वाली वो भी जारी कर दी गई है। और इस नोटिस में यहाँ पर ये लिंक है जहाँ पर आप लोग अपनी रिस्पॉन्स शीट देख सकते हैं और टेंटेटिव आंसर की भी देख सकते हैं। और किसी प्रश्न में अगर आपत्ति है तो 100 रुपये प्रति प्रश्न के हिसाब से यहाँ पर आप उसको चैलेंज भी कर सकते हैं। अगली सूचना है सीआरपीएफ वैकेंसी की। इन विद्यार्थियों की मेडिकल के लिए जो नोटिस है वो जारी हो गई है, डीवी मेडिकल की। लिखा है डीवी डीएमई ऑफ सिटी जीडी कांस्टेबल जीडी एग्जाम 2022 सीएपीएफ एसएसएफ राइफलमैन जीडी इन असम राइफल्स एंड सिपाही इन एनसीबी फॉर क्वालिफाइड एंड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स इज टेंटेटिवली शेड्यूल्ड फ्रॉम 17 जुलाई। तो 17 जुलाई से इन विद्यार्थियों का जो डीवी है मेडिकल है वो घोषित किया गया है और बहुत जल्द इन विद्यार्थियों के जो एडमिट कार्ड हैं डीवी के लिए जारी कर दिए जाएंगे, ये यहाँ पर लिखा है। विद्यार्थी सीआरपीएफ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको विजिट करते रहें, वेबसाइट का नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है। लिखा है कैंडिडेट्स विल नॉट बी परमिटेड फॉर डीवी डीएमई विदाउट एडमिट कार्ड के बिना, इन विद्यार्थियों का मेडिकल नहीं होगा। अगली सूचना यूपीएससी की है। यूपीएससी की जो आंसर की है ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की कर दी गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये आंसर की आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, सीसेट की भी, फर्स्ट पेपर की भी और सामान्य अध्ययन की। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। हाँ, एक सूचना और, ये जो यूपीएससी के लिए यूपीपीएससी के लिए जो आंदोलन हो रहा है पीसीएस के लिए, ये आंदोलन लगातार होता रहेगा। फिलहाल आप लोग ज़्यादा ईमेल अगर कर सकते हो तो ईमेल भी करते रहें, रिस्पांस भले ही ये लोग ना दें लेकिन पढ़ते जरूर हैं, देखते जरूर हैं, सुनते जरूर हैं। ये मैटर है, ये मैटर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा और आप लोग अपनी तरीके से भी अपनी बात रख सकते हैं। किसको भेजना है, क्या भेजना है, अगर ये मैटर चाहते हैं तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।